You are watching Gatecrackers. For more videos and latest updates, please subscribe our channel. नमस्कार दोस्तों, मैं साथ सिंह का स्वागत करता हूं आप लोग का। दोस्तों, हम लोगों ने देखा कि कैसे हम क्रेमर्स रूल से किसी भी लीनियर सिस्टम की इक्वेशंस की सॉल्यूशन निकाल ले रहे थे, लेकिन वहां पे ध्यान रखना हम तभी सॉल्यूशन निकाल पा रहे थे जब यूनिक सॉल्यूशन हो। मींस हम कैसे पता करेंगे यूनिक सॉल्यूशन है? तो सिंपली डिटरमिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स अगर नॉन जीरो हो तो हमें पता चल जाता था, तो उससे हम निकाल लेते थे यूनिक सॉल्यूशन। अभी यहाँ पे अगर हम बात करें कि अब हम दूसरी मेथड बताने जा रहे हैं जो कि मैट्राइसिस के थ्रू एक मेथड है, उससे अगर हम सॉल्व करना चाहें तो वो भी तभी सॉल्व कर पाएंगे जबकि डिटरमिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स नॉन जीरो हो। जीरो होने पे नहीं निकाल सकते हैं, जीरो होने के लिए दूसरी प्रोसेस है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये तीन इक्वेशन लिखी हुई है, इनको हमने मैट्राइसिस के फॉर्म में लिख दिया है। कैसे मैट्राइसिस के फॉर्म में लिख सकते हैं? देखिए, अगर फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड, दैट इज इक्वल टू, ये डी वन हो जाएगा। फिर ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड इज इक्वल टू डी टू हो जाएगा। ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड इज इक्वल टू डी थ्री। तो इन इक्वेशंस को इन मैट्राइसिस के फॉर्म में लिख सकते हैं। मान लीजिए इसको हम मान लेते हैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए, इसको हम मान लेते हैं कैपिटल एक्स, और इसको मान लेते हैं हम डी, जहां पे ये कॉलम मैट्रिक्स है, ये भी कॉलम मैट्रिक्स है, ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है। अगर इनमें दोनों में हम प्री मल्टीप्लीकेशन कर दें, हम किसका, ए इनवर्स का, तो ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स डी। तो ये ए इंटू ए इनवर्स हो जाएगा आई इंटू एक्स, दैट इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई, दैट इज इक्वल टू ए इनवर्स डी। तो यहां से हमारा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू ए इनवर्स डी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई है, मतलब अगर हम कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का क्या निकाल दें, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का इनवर्स अगर निकाल दें और उसका मल्टीप्लाई कर दें इस कॉलम मैट्रिक्स के साथ, तो हमें एक नया कॉलम मैट्रिक्स मिलेगा, क्योंकि x भी क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। और उन दोनों कॉलम मैट्रिक्स से हम कंपैरिजन कर लेंगे तो हमें x y z की वैल्यूज आ जाएंगी। देखते हैं कैसे, अगर हम एक क्वेश्चन लेके चले तो कैसे सॉल्व करते हैं, देखिएगा। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ये वाला, ये हमने क्वेश्चन लिया है और इसको कोएफिशिएंट मैट्रिक्स और एक्स वाई जेड कॉलम मैट्रिक्स और डी कॉलम मैट्रिक्स में हमने एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। जैसे डिटरमिनेंट ऑफ ए निकल जाएगा, फिर हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट अपॉन डिटरमिनेंट इज इक्वल टू हो जाएगा उसका क्या, इनवर्स। और इनवर्स में फिर डी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स मिल जाएगा। तो डिटरमिनेंट अगर निकालेंगे तो देखिए, इस रो के अलोंग अगर हम चले तो वन इंटू माइनस टू इंटू थ्री, तो ये माइनस सिक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एट, तो माइनस सिक्स प्लस एट, और फिर माइनस टू इंटू, ये कॉलम कैंसिल, ये रो कैंसिल, तो माइनस थ्री माइनस फोर, माइनस थ्री माइनस फोर, फिर प्लस थ्री इंटू, ये कॉलम कैंसिल रो कैंसिल, तो ये हो जाएगा प्लस टू, और माइनस माइनस प्लस टू, तो प्लस टू प्लस टू, दैट इज इक्वल टू, ये आ जाएगा एट माइनस सिक्स टू, तो ये टू आ गया, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, सेवन इंटू टू फोर्टीन, और ये फोर इंटू थ्री ट्वेल्व। तो आंसर हमारे पास फाइनली जो आ चुका है वो कितना आ चुका है, 14 इंटू 14 ये हो जाएगा 28 हमारे पास डिटरमिनेंट आ चुका है। अब हमें निकालना है एडजॉइंट, और एडजॉइंट निकालने के लिए हमें पहले निकालना पड़ेगा क्या, माइनर्स, या हाँ माइनस निकाल दो या कोफैक्टर निकाल दो। माइनर निकालेंगे तो फिर आपको पोजीशन में माइनस वन याद रखना पड़ेगा अल्टरनेटिव, उससे अच्छा है कोफैक्टर निकाल दो सीधा सीधा। कोफैक्टर अगर हम निकालने की कोशिश करें तो पहले ए वन, इसका कोफैक्टर निकालते हैं, नाम देते हैं हम ए वन वन। तो ए वन वन को फैक्टर अगर निकालेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, वो माइनस वन पावर वन प्लस वन, तो पॉजिटिव आ जाएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई माइनस सिक्स, इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस एट, माइनस सिक्स प्लस एट, तो ये टू आ जाएगा। ए वन टू, वन टू मतलब ये वाला, इसके लिए निकालें तो एक तो माइनस बाहर आएगा क्योंकि माइनस वन पावर वन प्लस टू ऑड पोजिशन है, तो यहां से ये कैंसिल, तो माइनस थ्री माइनस फोर, तो आएगा माइनस सेवन, तो माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस का सेवन। यहां से देखेंगे ए वन थ्री, वन थ्री देखेंगे तो वन थ्री में फिर पॉजिटिव साइन आएगा कोफैक्टर में क्योंकि माइनस वन पावर वन प्लस थ्री, ये कैंसिल, तो ये आ गया प्लस टू, माइनस माइनस प्लस टू, तो ये आ गया फोर। इसके बाद हम देखें ए टू वन, टू वन मतलब ये वाली पोजिशन, ये वाली पोजिशन पे अगर हम देखें तो टू वन माइनस वन पावर टू प्लस वन, तो एक तो माइनस बाहर ही आ जाएगा, ये कॉलम कैंसिल, ये रो कैंसिल, तो सिक्स माइनस माइनस प्लस सिक्स, तो ट्वेल्व, माइनस का ट्वेल्व। यहां से देखें ए टू टू, ए टू टू की अगर हम वैल्यू देखें यहां पे, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो हमारा आ गया ये थ्री, और
3 3 3 तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा A22 में 3 3। अगर हम देखें A23 मतलब ये वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन अगर हम देखें तो 2 3 पहले तो एक माइनस ही आ जाएगा क्योंकि समेशन ऑड हो रहा है। 2 3 मतलब ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो यहां से हम देखेंगे कि 1 × -2 तो -2 और -1 × 2 तो ये भी -2, तो -2 × -2 कितना हो जाएगा -4, -2 + -2 तो कितना -4 -4 और -4 तो ये -4 - तो ये कितना हो जाएगा +4। देखिए इसके लिए देखना है तो ये कैंसिल ये कैंसिल, तो ये -2 - -2 - 4, एक माइनस ऑलरेडी था तो 4। A31 अगर हम देखना चाहें तो पहले तो यहाँ पे पावर जो है 3 + 1 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगी, तो इवन पावर है तो यहाँ पॉजिटिव साइन ही आएगा, ये कैंसिल तो यहाँ से देखो 8 और माइनस माइनस प्लस 8 + 6 तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। यहां से देखेंगे A32 की वैल्यू देखेंगे तो सबसे पहले तो एक माइनस साइन क्योंकि समेशन जो है वो ऑड हो रहा है। अब हम देखेंगे ये कैंसिल और ये कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल ये रो कैंसिल, तो ये बचा 1 4 और +3 4 + 3 7 तो ये आ गया माइनस का 7, यहाँ माइनस ऑलरेडी था। और A33 अगर हम देखें तो ये वाली पोजीशन है तो ये कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो ये आएगा -2 और ये आएगा माइनस माइनस +2 - 2 और +2 तो ये आ जाएगा 0, साइन की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से हमें कोफैक्टर्स मिल गए। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स अगर हम बनाएंगे तो इसी तरीके से बनेगा A11 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। लेकिन हमें चाहिए होता है क्या, इसका ट्रांसपोज। एडजोइंट इज इक्वल टू क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो एडजोइंट अगर हम निकालना चाहते हैं ए का तो हमें इसका रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहां पे सबसे पहले आएगा 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3, 2 1, 2 2, 2 3, 3 1, 3 2, 3 3। तो इस तरीके से हमें एडजॉइंट मैट्रिक्स मिल चुका है। और इसी एडजॉइंट मैट्रिक्स में अगर हम डिटरमिनेंट का डिवाइड कर दें, डेल का अगर हम डिवाइड कर दें, डेल किसका, डेल ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स, तो यहीं पे हमें क्या मिल जाएगा, ए इनवर्स मिल जाएगा। तो अगर हम अब बात करें, अब देखिए ये वैल्यू हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगी, किसमें, ये जो मैट्रिक्स है। तो अब आप दो बार करना पड़ेगा, आप पहले मल्टीप्लाई ना करके बाद में मल्टीप्लाई करना। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं कि x इज इक्वल टू जो हमने देखा था a इनवर्स d, तो उसमें हम देखेंगे x की वैल्यू क्या है, a इनवर्स है ये, इसमें 1/2 डिटरमिनेंट हम बाहर ले लेते हैं, इसकी वैल्यू बाद में रखेंगे जो 28 है, और सिंपली हम देखते हैं ये वाली वैल्यू रख देते हैं, कितना है ये 2 - 12 14, 7 0 - 7 4 4 0, और डी की वैल्यू जो है कितनी है -1 2 4। देखिए ये एडजॉइंट है, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए डिवाइड में है, जब डिवाइड कर देंगे तो ये ओवरऑल क्या बन जाएगा, ए इनवर्स। तो अभी हमने डिवाइड ही किया, बाहर ही करके रखा है। अब देखिएगा 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो अब मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो देखिए इस रो का इस कॉलम में मल्टीप्लाई, तो -2 - 24 +56, तो ये हो जाएगा -26 + 56, तो बचेगा हमारे पास 30। सेकेंड रो का सेकेंड इस कॉलम के साथ करेंगे तो देखिए -7 और ये 0 हो जाएगा और -28 तो ये हो जाएगा -35। थर्ड रो का इस कॉलम के साथ करेंगे तो -4 + 8 तो कितना बचेगा 4 बचेगा। यहां से डिटरमिनेंट ए की वैल्यू अगर हम रख दें तो हमारे पास आ जाएगा 30/28 -35/28 और ये 4/28, ये हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हैं। तो यहाँ पे फाइनली हम बोल सकते हैं कि ये जो कैपिटल एक्स है ये क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है जो कि एक्स वाई जेड है। तो यहाँ से एक्स वाई और जेड की जो वैल्यू आई है उनको हम और आगे एक्सटेंड करें, 2 का डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 15/14, यहाँ 7 से डिवाइड कर दें तो आएगा -5/4 और यहाँ 4 से डिवाइड कर दें तो आ जाएगा 1/7, ये हमारे पास आ चुके हैं, सॉरी 1/7 ये मैट्रिक्स आ चुका है हमारे पास। तो यहां से अगर हम एक्स वाई जेड को कंपेयर कर लें तो क्या दिखेगा, पहला वाला एलिमेंट फर्स्ट x इज इक्वल टू 15/14, दूसरा y इज इक्वल टू
माइनस फाइव बाई फोर, तीसरा जेड इज इक्वल टू वन अपॉन सेवन। अब हम ये और चेक कर लेते हैं कि क्या ये सही है। अगर हम इक्वेशंस में पुट करें तो देखिए एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड की वैल्यू माइनस वन आनी चाहिए, तो एक्स कितना है फिफ्टीन बाई फोर्टीन प्लस टू वाई, तो इसमें टू का मल्टीप्लाई करो तो माइनस टेन अपॉन फोर प्लस थ्री जेड, इसमें थ्री का मल्टीप्लाई करो तो थ्री अपॉन सेवन, ये टेन अपॉन फोर में टू का डिवाइड कर देंगे तो फाइव अपॉन टू आ जाएगा। यहां से अगर हम देखें तो फोर्टीन आएगा हमारा एलसीएम, ये आ गया फिफ्टीन, ये आ गया ये सेवन, टू का फोर्टीन में डिवाइड होगा तो सेवन, सेवन का फाइव में मल्टीप्लाई तो थर्टी फाइव, ये सेवन का फोर्टीन में डिवाइड तो टू, टू का थ्री में मल्टीप्लाई तो सिक्स। तो यहाँ पे फाइनली हमारे पास जो वैल्यू आ चुकी है वो कितनी आ चुकी है, ट्वेंटी वन माइनस थर्टी फोर दैट इज इक्वल टू माइनस फोर्टीन अपॉन फोर्टीन दैट इज इक्वल टू माइनस वन। प्रूव हो गया पहली इक्वेशन सही हो गई। दूसरी और सिमिलरली दूसरी इक्वेशन देखें अगर तो माइनस एक्स मतलब माइनस फिफ्टीन अपॉन फोर्टीन माइनस टू वाई, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टू से फोर कैंसिल तो प्लस का फाइव बाई टू प्लस फोर जेड, तो ये हो जाएगा प्लस फोर अपॉन सेवन। एलसीएम आ जाएगा 14, तो ये आएगा माइनस फिफ्टीन, ये 7 इंटू फाइव हो जाएगा 35, और ये 2 इंटू फोर हो जाएगा 8। तो यहाँ पे देखिए ये आ गया 28 अपॉन 14 दैट इज इक्वल टू 2। सेकेंड इक्वेशन भी वैलिड हो गई, फर्स्ट इक्वेशन भी वैलिड हो गई। थर्ड इक्वेशन अगर हम देखें तो x की वैल्यू 15 अपॉन 14 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइव बाई टू आ जाएगा, फोर से टू कैंसिल प्लस थ्री इंटू जेड तो प्लस थ्री अपॉन सेवन। एलसीएम लेंगे तो यहाँ फोर्टीन आएगा, तो ये बचेगा फिफ्टीन प्लस सेवन फाइव जा थर्टी फाइव प्लस थ्री टू जा सिक्स, तो यहाँ से हम देखेंगे ये हो जाएगा फिफ्टी सिक्स अपॉन 14, तो ये आ गया फोर। थर्ड इक्वेशन भी वैलिड हो गई। तो इस तरीके से मैट्राइसिस की हेल्प से हम उन इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकाल सकते हैं जिनका कोफिशिएंट मैट्रिक्स हमारा कितना है नॉन जीरो है, जीरो नहीं होना चाहिए। अगर कोफिशिएंट मैट्रिक्स जीरो होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। हमने एक नया चैनल क्रिएट किया है जिसका नाम है गेट क्रैकर सपोर्ट, उस चैनल पर हम लाइव आते हैं, आप हमसे लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हो। उसमें गेट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के वीडियो भी हम डालते रहते हैं, स्टूडेंट के लिए गाइडलाइन के वीडियो डालते रहते हैं, इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियो, पीएसयू से रिलेटेड, प्रोजेक्ट से रिलेटेड वीडियो भी डालते रहते हैं, और एक उसमें सीरीज भी चल रही है जिसमें हम एक वीडियो में क्वेश्चन पूछते हैं जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उसमें आप लोग आंसर देते हो, नेक्स्ट वीडियो में आपके नाम अनाउंस करते हैं जिसने आंसर सही दिए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम शॉर्ट ट्रिक से उन क्वेश्चंस को सॉल्व भी करते हैं। तो उस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं जिसका नाम है गेट क्रैकर सपोर्ट, तो इस वीडियो के अंत में हमारी फोटो दिखाई देगी, उस फोटो पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी हम लाइव आएँ या कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों तक लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन पहुँचते रहें। इस वीडियो में अगर आपको ये वाले वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियोस नॉलेजेबल हैं तो इनको बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए, इससे बाकी लोग भी इससे फायदा उठा सकें। कभी भी रैंडम वीडियो मत देखिए, क्योंकि हर वीडियो में पुराने वीडियो के लॉजिक रहते हैं। ऑर्डर में वीडियो देखने के लिए सब्जेक्ट वाइज वीडियोस की प्लेलिस्ट लिंक हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखी रहती है। टॉपिक वाइज वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक अगर आपको चाहिए तो गेट क्रैकर्स यूट्यूब चैनल पर विजिट कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, इससे आप लोगों तक लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। थैंक यू सो मच।